नीना सेयर्स एक युवा महिला है जो अपनी अत्यधिक सुरक्षा वाली माँ एरिका, एक पूर्व नर्तकी के साथ रहती है और न्यूयॉर्क शहर की एक बैले कंपनी के साथ नृत्य करती है। कंपनी चेकोवस्की की स्वान लेक के साथ सीजन की शुरुआत कर रही है। प्राइमा बैलेरीना बेथ मैकिंटायर को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर करने के बाद कलात्मक निर्देशक थॉमस लेरॉय ने घोषणा की कि वह निर्दोष और नाजुक व्हाइट स्वान ओडेट और कामुक और गहरे ब्लैक स्वान ओडेले की दोहरी भूमिकाओं के लिए एक नए नर्तक की तलाश कर रहे हैं। नीना भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देती है और ओडेट के रूप में एक निर्दोष पूर्वाभ्यास देती है, लेकिन ओडेले को मूर्त रूप देने में विफल रहती है। अगले दिन नीना थॉमस से अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए कहती है। जब वह उसे जबरन किस करता है तो वह उसे काटती है और अपने कार्यालय से बाहर भाग जाती है। उस दिन बाद में नीना कलाकारों की सूची देखती है और उसे आश्चर्य होता है कि उसे मुख्य भूमिकाएं मिली हैं। नए सीजन का जश्न मनाने वाले एक पर्व में एक नशे में धुत बेथ ने उस पर प्रचार के बदले थॉमस को यौन पक्ष प्रदान करने का आरोप लगाया। अगले दिन नीना सुनती है कि बेथ को एक कार ने टक्कर मार दी थी। थॉमस का मानना है कि बेथ आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। नीना अस्पताल में एक बेहोश बेथ से मिलती है और देखती है कि उसके पैर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे फिर से बैले डांसर के रूप में प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। रिहर्सल के दौरान थॉमस नीना को एक नवागंतुक लिली को देखने के लिए कहता है, जिसकी नीना के साथ शारीरिक समानता है, लेकिन एक बेहिचक गुणवत्ता नीना की कमी है। नीना को मतभ्रम है और उसकी पीठ पर खरोंच के निशान है। एक रात एरिका की आपत्ति के बावजूद नीना ने ड्रिंक के लिए बाहर जाने के लिए लिली के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लिली ने नीना को एक परमानंद कैप्सूल की पेशकश करते हुए कहा कि इससे उसे आराम करने में मदद मिलेगी। नीना ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन लिली ने अपने पेल को पाउडर के साथ मिलाया। इसके प्रभाव में नीना बार में पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है और लिली भी। दोनों एक नाइट क्लब में नृत्य करते हैं और देर रात नीना के अपार्टमेंट में लौटते हैं। अपनी माँ से बहस करने के बाद नीना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लिली के साथ सेक्स करने लगी। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसे ड्रेस रिहर्सल के लिए देर हो चुकी है। लिंकन सेंटर में पहुंचने पर नीना लिली को ओडले के रूप में नाचते हुए देखती है और एक साथ उनकी रात के बारे में उसका सामना करती है। लिली नीना के साथ घर जाने से इनकार करती है और नीना को उसके बारे में यौन कल्पना करने के लिए ताना मारती है। नीना आश्वस्त हो जाती है कि लिली उसकी जगह लेने का इरादा रखती है, खासकर यह जानने के बाद कि थॉमस ने लिली को अपना विकल्प बनाया है। नीना का मतभ्रम मजबूत होता है और उसकी चोटें बढ़ जाती हैं, जहां तक खुद को ओडले में बदलने के लिए मतभ्रम होता है। रात खुलने पर वह अपनी माँ से चिल्लाती है, मैं हंसरानी हूँ, तुम वे हो जिसने कभी लाश नहीं छोड़ी। कॉमर और वह चली जाती है। नीना के देर से आने के कारण लिली उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। नीना थॉमस का सामना करती है, जो उसके नए आत्मविश्वास से इतना प्रभावित होता है कि वे उसे अपनी भूमिकाएं वापस लेने की अनुमति देता है। बैले के दूसरे अधिनियम के अंत में नीना एक और मतभ्रम से विचलित हो जाती है और ओडेट के रूप में अपनी स्थिरता खो देती है। यह राजकुमार की भूमिका निभाने वाले पुरुष नर्तक को मंच पर छोड़ने का कारण बनता है, जो थॉमस को क्रोधित करता है। वह अपने ड्रेसिंग रूम में लौटती है और लिली को ओडले के रूप में तैयार करती हुई पाती है। एक टकराव के दौरान लिली नीना में बदल जाती है। दोनों लड़ते हैं, शीशा तोड़ते हैं। नीना ने शीशे के एक बड़े टुकड़े से अपने डॉपलगेंजर को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शरीर लिली में वापस आ जाता है। नीना लाश को बाथरूम में छिपा देती है और ओडले की तरह बेदाग डांस करते हुए स्टेज पर आ जाती है।
दर्शकों के स्टैंडिंग ओवेशन के बीच नीना एक भावुक चुंबन के साथ थॉमस को आश्चर्यचकित करती है और अपने ड्रेसिंग रूम में लौट आती है। जैसे ही नीना उड़े टूटू और सफेद हंस मेकअप फिर से शुरू करती है, वह अपने दरवाजे पर दस्तक सुनती है। वह लिली को जीवित खोजने के लिए इसे खोलती है। लिली माफी मांगती है और छुट्टी लेने से पहले उसे बधाई देती है। उलझन में नीना देखती है कि आईना अभी भी टूटा हुआ है, लेकिन जिस तौलिए से वे खून पोंछती थी वे साफ होता है। वह नीचे देखती है और अपने पेट से कांच का एक टुकड़ा खींचती है। यह महसूस करते हुए कि उसने खुद को छुरा घूम पाया लिली को नहीं, नीना बैले के अंतिम कार्य में नृत्य करती है, जिसका अंतोडेट द्वारा खुद को एक चट्टान से फेंकने और नीना के गद्दे पर उतरने के साथ होता है। थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता है, जबकि थॉमस, लिली और अन्य लोग नीना को बधाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो गद्दे पर पड़ी रहती है। थॉमस अपनी कमर पर खून फैला हुआ देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है। वह घबराकर नीना से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। नीना शांति से जवाब देती है कि वे एकदम सही थी, क्योंकि स्क्रीन सफेद हो जाती है। फिर